तो फाइनली दोस्तों आप सभी को पता ही है कि 2024 में कितनी बेहतरीन बेहतरीन की मूवियों की लाइन लग चुकी है। बहुत ही कमाल कमाल की मूवी आप सभी को देखने को मिलने वाली है, काफी ज्यादा दमदार वाली और एक्शन से भरपूर वाली। लेकिन दोस्तों मैं आपसे एक बता दूं, 2024 में कुछ ऐसे भी मूवी आप सभी को देखने को मिल चुकी है जो कि दोस्तों अंडररेटेड रही है और फ्लॉप भी हो चुकी है। तो दोस्तों जनवरी एंड फरवरी में ऐसी कौन सी मूवी आ चुकी है जो कि अंडररेटेड और फ्लॉप की रह चुकी है 2024 में, तो दोस्तों इसके बारे में आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों मैं पहले बात कर लेता हूं गुंटूर कारा मूवी की, यानी कि दोस्तों ये 12 जनवरी 2024 इसमें ही आई है। और आप सभी को बता दूं उस दिन हनुमान मूवी भी आप सभी को देखने को मिली थी 12 जनवरी 2024 के दिन। इस दिन ये दोनों मूवियों का टक्कर तो होने वाला था, लेकिन दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं टक्कर तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन हनुमान मूवी ने उस दिन बॉक्स ऑफिस पे बिल्कुल ही तगड़े तरीके से, यानी कि बहुत ही कमाल तरीके से झंडे गाड़ के रख दिए। लेकिन दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं जो महेश बाबू की मूवी आई थी ना, ये जो तेलुगु लैंग्वेज में ये मूवी आई थी गुंटूर कारा मूवी, लेकिन दोस्तों इसने बिल्कुल ही कमाल करके नहीं दिखाया, इसलिए तो बिल्कुल रही उस दिन फ्लॉप। क्योंकि दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं इसके बारे में, आप सभी को बताता हूं मैं, तो पहले बात कर लेता हूं मैं आप सभी को महेश बाबू की जो ये मूवी आई थी दोस्तों, इसके अंदर आप सभी को लीड रोल में श्री लीला भी देखने को मिली थी दोस्तों। काफी ज्यादा उम्मीदें थी इस मूवी से, लेकिन दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं इस दिन इसको जो रेटेड मिली थी ना, यानी कि आप सभी को बता दूं 5.4, और मैं आप सभी को बता दूं 19,000 लोगों ने इसको रेटेड किया था, लेकिन दोस्तों ये तो बिल्कुल ही वैल्यू हुआ ही नहीं और ये रही अंडर रेटेड वैल्यू में काउंट होगी ये मूवी, और बिल्कुल ही कमाल करके नहीं दिखाई, ये तो होगी बिल्कुल ही बॉक्स ऑफिस पे परास्त। और दोस्तों मैं आपसे बता दूं ये 200 करोड़ के बजट में तैयार की गई थी और 171 करोड़ का कलेक्शन किया, फिर भी रही ये फ्लॉप इस साल की। ये मुकाबला नहीं, युद्ध है। दोस्तों अब मैं बात कर लेता हूँ इस साल की एक और दूसरी जो मूवी रही है फ्लॉप और हो चुकी है बिल्कुल ही अंडररेटेड मूवी। दोस्तों मैं आप सबको बता दूं लाल सलाम मूवी जो कि 9 फरवरी 2024 के दिन आप सभी को थिएटर्स पे देखने को मिली थी। दोस्तों मैं आपको बता दूं ये थी मूवी एक्शन स्पोर्ट मूवी, और दोस्तों मैं आपको बता दूं स्पोर्ट एक्शन मूवी तो थी, इसके अंदर आप सभी को देखने को मिले थे साउथ के बेहतरीन सुपरस्टार रजनीकांत। और दोस्तों मैं आपको बता दूं रजनीकांत तो देखने को मिले थे, लेकिन दोस्तों इन्होंने कुछ भी अच्छा खासा इस मूवी में करके नहीं दिखाया, तभी तो ये मूवी हो चुकी थी फ्लॉप। क्योंकि दोस्तों मैं आपसे एक बता दूं ये जो भी मूवी थी इसके जो रेटेड की बात करूं तो दोस्तों मैं आपसे बता दूं इसको रेटेड मिली थी, यानी कि 4.9 के रेटेड, 900 लोगों ने ही बस रेटेड दिया था इसको, और ये रही बिल्कुल ही अंडर रेटिंग मूवी। तो दोस्तों बहुत ही कमाल की मूवी तो बिल्कुल भी नहीं रही है, और दोस्तों ये मूवी होगी बिल्कुल ही फ्लॉप। क्योंकि दोस्तों मैं आपसे बता दूं 80-90 करोड़ के बजट में तैयार की गई थी ये मूवी, और बिल्कुल ही बेकार तरीके से कलेक्शन किया, कम से कम ये 23 करोड़ का इसने कलेक्शन किया, बहुत ही बेकार वाला और फ्लॉप हो गया, बिल्कुल ही दमदार मूवी ये नहीं रही। तो दोस्तों मैं आपसे एक बता दूं ये थी दो मूवियां जो कि अंडर रेटिंग काउंट हुई इस साल की 2024 में। लेकिन दोस्तों मैं आपसे बता दूं और भी मूवी के बारे में अपडेट में आप सभी के लिए लेके आ जाऊंगा। तो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।